दोस्तों इस वीडियो में हम विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के बीच आईपीएल बैटिंग करियर का कंपैरिजन करेंगे। विराट कोहली ने 237 मैच खेलकर 7,263 रन बनाए हैं, एबी डिविलियर्स ने 184 मैच खेलकर 5,162 रन बनाए हैं, क्रिस गेल ने 142 मैच खेलकर 4,965 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बैटिंग एवरेज है 37.25, एबी डिविलियर्स का बैटिंग एवरेज है 39.71, क्रिस गेल की बैटिंग एवरेज है 39.72। विराट कोहली का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 130.02, एबी डिविलियर्स का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 151.69, क्रिस गेल का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 148.96। आईपीएल में विराट कोहली का हाई स्कोर 113, एबी डिविलियर्स का हाई स्कोर 133, क्रिस गेल की हाई स्कोर है 175। विराट कोहली ने कुल 643 चौके, डिविलियर्स ने 413 चौके, गेल ने 405 चौके मारा है। विराट कोहली ने कुल 230 छक्के, एबी डिविलियर्स ने 250 छक्के, क्रिस गेल ने 350 छक्के मारे हैं। आईपीएल 50 की बात करें तो विराट कोहली के नाम कुल 50, एबी डिविलियर्स के नाम 40 और क्रिस गेल के नाम 31 हाफ सेंचुरी मौजूद है। आईपीएल शतक की बात करें तो विराट कोहली ने 7, एबी डिविलियर्स ने 3 और क्रिस गेल ने 6 शतक मारा है। आईपीएल में विराट कोहली कुल 34 बार, एबी डिविलियर्स 40 बार और क्रिस गेल 16 बार नॉट आउट रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली तीनों प्लेयर के कंपैरिजन करने के बाद विराट कोहली को मिलते 4 पॉइंट्स, एबी डिविलियर्स को मिलते 3 पॉइंट्स और क्रिस गेल को मिलते 3 पॉइंट्स। सो गाइस आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।